तो इस वीडियो में मिखाइल ताल की एक गेम देखेंगे। ये गेम मैंने पहले बनाई हुई थी, लेकिन उस टाइम पे क्वालिटी बराबर नहीं थी और बराबर हो नहीं पाया था। तो ये गेम 1964 में एम्स्टरडेम नेदरलैंड्स में खेली गई थी, और इस गेम में वाइट पीसीस के साथ मिखाइल ताल है और ब्लैक पीसीस के साथ त्रिंगोव जियोर्गी। तो मिखाइल ताल ने शुरुआत की e4 से और ब्लैक ने रिप्लाई दिया g6, d4, बिशप g7, नाइट c3, d6, मॉडर्न डिफेंस स्टैंडर्ड लाइन, नाइट f3, c6, बिशप g5, क्वीन b6। और मिखाइल ताल ने अपने बिशप को यहाँ पर g5 पर जैसे ही मूव किया, तो ब्लैक ने यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि b2 पॉन पर प्रेशर बना दिया। तो मिखाइल ताल ने पहले अपने b2 पॉन को सेक्रीफाइस कर दिया और नहीं बचाया, और क्वीन d2 से कंटिन्यू किया। तो ब्लैक ने इस b2 पॉन को एक्सेप्ट किया, क्वीन टेक्स b2, रुक b1, और क्वीन के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही मूव है, क्योंकि नाइट पर तो क्वीन का सपोर्ट है और क्वीन यहाँ पर इस पॉन को कैप्चर नहीं कर पाएगी, क्योंकि नाइट से सपोर्टेड है ये a2 पॉन। तो ब्लैक ने अपनी क्वीन को a3 पर मूव किया, बिशप c4, क्वीन a5। और अभी आप देख सकते हैं कि शुरुआत में ही ब्लैक अपनी क्वीन को बार बार मूव किए जा रहा है। पहले तो यहाँ पर b6 पर मूव किया, और फिर इस b2 पॉन को कैप्चर किया, फिर a3 पर, और बाद में a5 पर। तो आप देख सकते होंगे कि इसकी वजह से ब्लैक की डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो पाई है, और ब्लैक का कैसल भी अभी बाकी है। तो मिखाइल ताल ने पहले किंग साइड कैसलिंग किया, और मिखाइल ताल के सभी पीसीस बोर्ड पर तैयार है अटैक करने के लिए, और ब्लैक के माइनर पीसीस अभी डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो ब्लैक को इसकी वजह से बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आगे जाकर, और मिखाइल ताल तो बहुत ही फास्ट ओपनिंग के लिए जाने जाते हैं। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया e6 करके, और अभी भी ब्लैक अपने पॉन्स को मूव कर रहा है। तो मिखाइल ताल ने रुक e1 करके अपने रुक को यहाँ पर किंग की लाइन पर रख दिया और सेंटर पर प्रेशर बनाया। तो ब्लैक ने अभी भी अपने एक भी माइनर पीस को डेवलप ना करके a3 मूव किया। तो ब्लैक का टारगेट यहाँ पर b5 करके इस बिशप पर प्रेशर बनाने का है, लेकिन ब्लैक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तो मिखाइल ताल ने बिशप f4 मूव किया, और अभी मिखाइल ताल का टारगेट यहाँ पर d6 पॉन पर है। तो इसी वजह से ब्लैक ने पहले e5 करके इस बिशप की लाइन को कट कर दिया, d takes e5, और यहाँ पर पॉन एक्सचेंजेस हो चुके हैं। और अभी असली गेम शुरू होता है अभी, और अभी ध्यान से देखिएगा, और अभी आप देख सकते होंगे कि प्रेशर मिखाइल ताल के बिशप पर है, लेकिन उसके बावजूद मिखाइल ताल ने पहले अपनी क्वीन को d6 पर मूव किया, और साथ में इस नाइट को भी सेक्रीफाइस कर दिया। तो मिखाइल ताल का प्लान क्या है? तो मिखाइल ताल ने यहाँ पर ब्लैक के किंग को ट्रैप कर दिया है। तो ब्लैक अभी यहाँ पर इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करने जाता है, तो पहले तो नाइट d5 आ जाएगा, और मिखाइल ताल अपने नाइट को भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, और नेक्स्ट मूव में नाइट c7 चेक की थ्रेट होगी, और किंग तो यहाँ पर फंसा हुआ है क्वीन की वजह से, आप देख सकते होंगे। तो फोर्सफुली क्वीन टेक्स नाइट करना ही पड़ेगा, और क्वीन टेक्स नाइट के बाद क्वीन टेक्स क्वीन, और ब्लैक की क्वीन चली जाती। तो यहाँ पर ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी पड़ सकती है, और ब्लैक यहाँ पर अपनी क्वीन को वापस d8 पर भी लाता है, तो भी नाइट c7 चेक आ ही जाता, और आप देख सकते होंगे कि फोर्सफुली इस नाइट को कैप्चर करना ही पड़ेगा, क्योंकि किंग के पास कोई मूव है ही नहीं, और ब्लैक की क्वीन चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर ब्लैक अगर इस नाइट को कैप्चर कर लेता है, तो नेक्स्ट मूव में e takes d5 और डिस्कवर चेक रुक से आएगा, और अभी भी किंग के पास कोई स्क्वायर है ही नहीं जाने के लिए। तो ब्लैक के पास अभी क्या मूव्स है? एक तो बिशप को बीच में ला सकता है, नाइट को बीच में ला सकता है, और ये बिशप को बीच में ला सकता है। नाइट को तो बीच में ला ही नहीं सकते, क्योंकि क्वीन टेक्स नाइट और चेकमेट।
और बिशप को भी बीच में लाते हैं तो पहले रुक टेक्स बिशप चेक आएगा और नाइट को फिर बीच में नहीं ला पाएंगे क्योंकि चेकमेट आ ही जाता। और बिशप को बीच में लाते हैं यहाँ पर तो पहले तो डी टेक्स बिशप और नेक्स्ट मूव में यहाँ पर चेकमेट की थ्रेट है और एक तरफ ब्लैक की क्वीन जा रही है तो दोनों तरफ से प्रेशर है। तो ब्लैक अपनी क्वीन को बचाने जाए या फिर चेकमेट को बचाने जाए तो ब्लैक यहाँ से अपने नाइट को मूव करके यहाँ पर एफ सेवन पर सपोर्ट बनाता है तो भी ई टेक्स एफ सेवन चेकमेट आ ही जाता क्योंकि डबल चेक है और किंग के पास जाने के लिए कोई मूव है ही नहीं। और ब्लैक यहाँ से अपने पॉन को एफ सिक्स पर मूव करता है और इस चेकमेट को प्रिवेंट करने जाता है तो पहले तो इस क्वीन को ले सकते हैं लेकिन साथ में यहाँ पर रुक टेक्स बी सेवन भी किया जा सकता है और अभी थ्रेट रुक टेक्स नाइट करने की है तो ब्लैक अपनी क्वीन को वापस डी एट पर लाता है तो भी ई सेवन और फिर मिखाइल ताल अपनी क्वीन को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर सकते हैं लेकिन इस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि फिर बिशप सेक्रीफाइस और किंग तो यहाँ पर कहीं पर भी जा ही नहीं पा रहा है आप देख सकते होंगे। तो फोर्सफुली इस बिशप को कैप्चर करना ही पड़ेगा और ब्लैक जैसे ही इस बिशप को कैप्चर करता है तो ये पॉन क्वीन में प्रमोट होकर सीधा चेकमेट ही आ जाता। आप देख सकते होंगे कि किंग के पास जाने के लिए कोई स्क्वायर है ही नहीं और ब्लैक यहाँ से अपनी क्वीन को डी सेवन पर मूव करता है तो रुक टेक्स नाइट चेक और फोर्सफुली इस रुक से कैप्चर करना ही पड़ता रुक को। फिर क्वीन टेक्स रुक चेक और किंग तो यहाँ पर बाहर नहीं निकल पाएगा आप देख रहे होंगे तो क्वीन को बीच में लाना पड़ता और क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट और ब्लैक यहाँ पर पहले ही अपने बिशप को बीच में ले आता तो भी डी टेक्स बिशप आ जाता और वापस वही सब थ्रेट्स होंगी। तो ब्लैक एफ सिक्स पर मूव करता है अपने पॉन को तो भी यहाँ पर रुक टेक्स बी सेवन आ जाता और वही थ्रेट्स होंगी आप देख सकते होंगे और फिर वापस ई सेवन और इस क्वीन को कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि बिशप एफ सेवन चेक और फिर ये पॉन क्वीन में प्रमोट होकर चेकमेट आ ही जाता लेकिन ब्लैक ने यहाँ पर इस बिशप सेक्रीफाइस को पहले एक्सेप्ट नहीं किया और पहले इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया तो ब्लैक ने इसी सब कैलकुलेशन की वजह से क्वीन टेक्स नाइट सी थ्री मूव किया और इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। तो मिखाइल ताल ने रुक डी वन मूव करके यहाँ पर चेकमेट की थ्रेट दी और अभी आप देख सकते होंगे कि इस चेकमेट की थ्रेट को प्रिवेंट करने के लिए कितने रास्ते हैं। एक तो ब्लैक अपने बिशप को बीच में ला सकता है और नाइट को बीच में ला सकता है और साथ में यहाँ पर बिशप एफ सिक्स मूव भी कर सकता है। तो ब्लैक यहाँ से बिशप एफ सिक्स मूव करता है तो यहाँ पर नाइट टेक्स ई फाइव आ जाता और सीधा यहाँ पर चेकमेट की थ्रेट होती बिशप टेक्स एफ सेवन क्योंकि किंग यहाँ पर फंसा हुआ है आप देख सकते होंगे लेकिन ब्लैक यहाँ पर इस बिशप से इस नाइट को कैप्चर नहीं कर पाएगा क्योंकि फिर डी एट स्क्वायर से सपोर्ट हट जाएगा बिशप का और सीधा चेकमेट आ ही जाता और ब्लैक अपनी क्वीन से भी इस नाइट को कैप्चर नहीं कर पाएगा क्योंकि फिर ब्लैक की क्वीन चली जाती लेकिन ब्लैक यहाँ से अपने बिशप को ई सेवन पर लाकर कंटिन्यू कर सकता था और फिर ऐसे गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन सी सेवन और बिशप पर प्रेशर है तो ब्लैक अपने बिशप को डी सेवन पर लाता है तो रुक टेक्स बी सेवन और नाइट पर प्रेशर होगा और ब्लैक यहाँ से अपने नाइट से इस बिशप पर सपोर्ट बनाता है लेकिन रुक टेक्स नाइट चेक और रुक टेक्स रुक के बाद क्वीन टेक्स रुक चेक और ब्लैक के पास यहाँ पर दो ऑप्शंस है। ब्लैक अपने बिशप को सी एट पर लाता है तो क्वीन टेक्स बिशप चेक और वापस बिशप को बीच में लाना ही पड़ता और क्वीन टेक्स बिशप चेकमेट ही आ जाता और ब्लैक यहाँ से पहले अपने डार्क कलर्ड बिशप को बीच में लाता है तो बिशप टेक्स एफ सेवन चेक और किंग के पास दो ऑप्शंस है एक तो एफ एट और एक तो ई सेवन और किंग अगर ई सेवन पर आता है तो चेकमेट क्वीन डी सिक्स से आ ही जाता आप देख सकते होंगे कि कोई स्क्वायर है ही नहीं किंग के पास और ब्लैक यहाँ से अपने किंग को एफ एट पर लाता है तो बिशप एच सिक्स चेक और फिर किंग को ई सेवन पर आना ही पड़ेगा और क्वीन डी सिक्स चेकमेट ही आ जाता
पर ब्लैक यहाँ पर इस पोजीशन में अपने बिशप को e6 पर मूव करता है, तो बिशप टेक्स बिशप और ब्लैक इस बिशप को कैप्चर करता है तो चेकमेट आ ही जाता, क्योंकि किंग यहाँ पर कहीं पर भी जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि किंग के पास जाने के लिए कोई स्क्वायर है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर मिखाइल ताल ने रूक d1 मूव किया, उसके बाद ब्लैक ने पहले अपने नाइट को d7 पर मूव करके इस चेकमेट को प्रिवेंट किया। और अभी वीडियो पॉज करके सोचिए कि मिखाइल ताल ने क्या मूव किया होगा। तो मिखाइल ताल ने बिशप टेक्स f7 चेक दिया और अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया। तो अभी ब्लैक के पास दो ऑप्शंस है, एक तो ब्लैक अपने किंग को d8 पर ला सकता है या फिर इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ब्लैक अपने किंग को d8 पर लाता है तो नेक्स्ट मूव में नाइट g5 और नाइट e6 और सीधा चेकमेट, क्योंकि ये स्क्वायर्स क्वीन से कवर है और ये e8 स्क्वायर बिशप से कवर है। तो यहाँ पर ब्लैक इस स्क्वायर को कवर नहीं कर पाता, एक ही रास्ता है, ब्लैक को अपनी क्वीन देनी पड़ती इस e6 स्क्वायर को कवर करने के लिए, लेकिन फिर उस केस में ब्लैक की क्वीन चली जाती। लेकिन यहाँ पर रुक d5 करके क्वीन का रास्ता काटा जा सकता है और फिर ब्लैक इस रुक को भी कैप्चर करता है, तो e टेक्स क्वीन और आप देख सकते होंगे कि फिर इस चेकमेट को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। तो ब्लैक ने पहले इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया, किंग टेक्स बिशप और मिखाइल ताल ने कंटिन्यू किया नाइट g5 चेक देकर, और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है आप देख सकते होंगे, तो किंग को फोर्सफुली e8 पर आना ही पड़ेगा। तो ब्लैक ने किंग e8 मूव किया और फाइनल मूव फ्रॉम मिखाइल ताल क्वीन e6 और चेक है। तो इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। रिजाइन की वजह साफ साफ है, यहाँ पर ब्लैक चेकमेट को प्रिवेंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ब्लैक यहाँ पर अपने नाइट को बीच में लाता है तो क्वीन f7 चेक और किंग के पास एक ही मूव है, किंग d8 और नाइट e6 और सीधा चेकमेट ही आ जाता। आप देख सकते होंगे कि किंग के पास जाने के लिए कोई मूव है ही नहीं और ये e8 स्क्वायर क्वीन से कवर है, और ब्लैक यहाँ पर अपने किंग को f8 पर तो ला ही नहीं सकता क्योंकि क्वीन f7 चेकमेट ही आ जाता। और ब्लैक यहाँ पर अपने किंग को d8 पर लाता है तो नाइट f7 चेक और फोर्सफुली किंग को c7 पर आना ही पड़ेगा और क्वीन d6 चेकमेट ही आ जाता, क्योंकि ये d8 स्क्वायर नाइट से कवर है और ये b फाइल पर b6 स्क्वायर रुक से कवर है, तो सीधा चेकमेट ही है। तो मिखाइल ताल ने क्वीन e6 चेक दिया और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। और ऐसे ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।